हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनीता राघव रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक के हेल्दी भटूरे। दो कप हमने गेहूं का आटा लिया है और एक चौथाई कप सूजी, ये मिक्स कर देंगे इसमें और थोड़ा सा इसको मिक्स करके बीच में हम थोड़ा सा जगह बनाएंगे। इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच चीनी, चार पांच चम्मच दही, साथ में ही डाल देंगे हम इनो एक छोटी चम्मच। इसको मिक्स करेंगे। चारों तरफ आटा डाल देंगे। अब हम डालेंगे पालक। पालक को मैंने अच्छी तरह से धोया, साफ किया और उसके बाद ब्लेंच किया। खौलते हुए पानी में पालक को डाला, एक मिनट तक बॉईल किया और उसके बाद ठंडे पानी में डाल के निकाल लिया और उसकी प्यूरी बना ली। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें, मिक्स करेंगे। जितना हमें चाहिए उतना हम पालक की प्यूरी डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। दोस्तों, मैंने सोचा पालक की पूरी तो हमेशा बनती है और सब लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं पालक के भटूरे बनाए जाए। तो मैंने बना के ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। थोड़ा सा हम देसी घी लेंगे, और आटे को एक बार गूंद लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद ढक के इसको आधा से पौना एक घंटे तक हम इसको रेस्ट देंगे। चलिए आटा चेक कर लेते हैं। अब एक बड़ा हम पेड़ा लेंगे इसमें से, इसको रोल कर लेंगे। और छोटी छोटी हम लोई बनाएंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप गोल लंबा कैसे भी बेल सकते हो। तेल अच्छा तेज गरम हो गया है, अब हम भटूरा इसमें सेक लेंगे। इसको एक साइड से पलट देंगे और दोनों तरफ करारी कर लेंगे। देखिए कितने गुब्बारे की तरह एकदम फूले हुए हैं। अब इसको करारा करके हम निकाल लेंगे और इसी तरह सारे भटूरे हम सेक लेंगे। लीजिए, तैयार हैं पालक के हेल्दी भटूरे। यहाँ पे मैं मटर पनीर की सब्जी और छोले के साथ सर्व कर रही हूँ। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।